बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ अब्बास रज़ा। हम 10th क्लास का मैथ, जो जनरल मैथ है, वो कर रहे हैं। पहला लेक्चर हमने किया था, आज लेक्चर दूसरा है, और उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है, जो कि हमारे पास सवाल दिए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन सेम हुआ करेंगे, उनमें से एक मैं कर लिया करूँगा और एक आप कर लिया करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक अच्छी बात किया करेंगे, ताकि आप लोग उस पर अमल भी किया करें, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके फ़ायद भी जो साथ साथ मिलेंगे। तो आज की अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में हर हाल में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना है, जिस हाल में भी आप हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये आज की अच्छी बात है। आप जितना शुक्र अदा करते जाएंगे, अल्लाह ताला उतना नवाजता जाता है जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, हम 8 तक कर चुके थे। 10 सेम है, 9 में आपको समझाऊंगा, समझने के बाद 10 कीजिएगा। फिर 11 और 12 सेम है, जिसमें से मैं 12 करूंगा, 11 आप करेंगे। फिर 13 और 14 सेम है, ठीक है। तो 9 की तरफ चलते हैं, सिंप्लीफाई करना है। इसमें से देखें पहले कि हमारे पास ये भी एक्स है और ये भी एक्स, ये दोनों बदलेगा, यानी कि वेरिएबल। ये वाई है और ये भी वाई है। तो आपने से इसमें ये देखना है कि किस मतगैयर का जो पावर है वो बड़ा है। जिसका बड़ा है वो वहाँ पर रहने दे, क्योंकि जो बड़ा इंसान है वो आवाज़ देता है छोटे को, तो छोटा वहाँ पे आता है, बड़ा वहाँ पे नहीं जाता है। तो इसी तरह आपकी जिस तरह ये x की पावर 4, ये बड़ा है और x की 2 छोटा है, तो हमेशा छोटे ने छोटे वाले मतगैयर की पावर नीचे आ जाए करेगी। और इधर y की 2 बड़ा है और y की 1 छोटा है, इसलिए y की 1 पावर ऊपर चले जाएगी। तो जब पावर पॉजिटिव है, मतगैयर एक जैसे होते हैं, तो ऊपर वाली पावर नीचे आएगी तो मनफी, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो मनफी, यानी कि साइन अलामत चेंज हो करेगी। प्लस है तो मनफी, मनफी है तो प्लस। हाल इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। 8/12 ये क्या है, एक्स की 4, जब ऊपर वाला नीचे आएगा तो क्या देगा, माइनस का 2। तो यही मैंने बताया, ये एक ही रूल है, इसको अच्छी तरह याद रखिए, बहुत बार और बहुत जगह पे इसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर ऊपर वाई की क्या था, वाई की 2, नीचे क्या है, जिसकी कोई पावर नहीं, तो 1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अंडरस्टैंड, ये जो कांस्टेंट अगर किसी एक चीज पे कैंसिल होते तो वो कर सकते हैं। तो 4 2 8 और 4 3 12, इधर क्या बचा, वाई की 2 में से 1 गया तो 1, और एक्स की 4 में से 2 गया तो ये 2 आ गया। नहीं, ये इसका आंसर आ गया, कोई मुश्किल है नहीं। 11 आपने करना, लेकिन 12 को अच्छी तरह समझ कर, ठीक है। ऊपर वाला देखें, हमारे पास सोल्यूशन हम इधर से ले लिया करेंगे, ताकि एक स्टेप और बच जाएगा, लेकिन आप लोग कंप्लीट किया करेंगे। 5 और एक्स की 3 वैसे रहा, ये 27 है और ये 36। मैं 27 के फैक्टर बनाने लगा हूँ, तजी करने लगा हूँ, ताकि एक स्टेप और कर ले तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 27 को 3 3 9 और 9 3 27, फिर m की 4 वैसे और x की 8 भी वैसे, माइनस 36, 2 18 आ गया, फिर 2 9 आ गया, 3 and 3, 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36 आ गए। तो ये इसकी तस्दीक होगी। आगे क्या है, m की 6 और x की भी 6, 18, m की 5 और x की 3 डिवाइड। अब ये देखिए, इसमें से हम कामन ले सकते हैं, 1 3 2 3, और इधर भी 3 और इधर भी 3, कामन क्या आ जाएगा, 3 and 3। ये m की 4 है और ये m की 6 है, तो हमेशा कामन वो होगा जो समानता दोनों में सेम होता है। जिस तरह ये देखें, ये 3 3 टाइम था और ये 3 2 टाइम था, लेकिन कामन क्या आया, 3 2 टाइम। इधर m की 4 है, इधर m की 6 है, तो कामन क्या आएगा, m की 6 या m की 4, हाँ 6 नहीं आएगा, 4 आएगा, तो m की जगह पे क्या आ गया, 4। फिर ये x की 8 और ये x की 6 है, तो कॉमन क्या आएगा, 6 या 8, 6।
अब ये देखिए इसमें से जो बाकी बचा है वो क्या है, ये 3 एम की 4 तो आ गया, एक्स की 8 का 6 आ गया, बाकी क्या रह गया, एक्स की 2 बाकी बच गया। अंडरस्टैंड, इधर क्या रह गया, इधर हम ब्लैंक लिख सकते हैं, ये 2 टू 4 बचा, एम की हमारे पास 4 कामन है, बाकी एम की कितना रह जाएगा, एम की 2 रह गया और एक्स की 6 बाहर आ गया। ले क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 18 ये m की 5 ये बड़ा है और ये m की 4 छोटा है, इसको ऊपर ले जाकर क्या कर देंगे हम, माइनस, वेरी गुड। नीचे ये 3 3 9 और इधर ये x की 6 है और ये x की 3, ये नीचे आकर किसका हो जाएगा, माइनस, और आगे बढ़ी वैल्यू सेम है, 3x का स्क्वायर और माइनस 4 m का स्क्वायर। लेकिन 9 को कितना आ जाएगा, 18, ऊपर क्या रहेंगे सिर्फ m और नीचे क्या रहेंगे x की 3 और 3x की है माइनस 4 है। देखिए ये इसका आंसर, क्यों भी समझ आ गई, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन नंबर 13 आप करेंगे 14 में का, ये जरा चेक करें, x की 2 है यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर है, y की 2 है y का स्क्वायर है और डिवाइड, इसमें से जरा मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, तरतीब दी, मनफी 3x पहले लिखी है और प्लस 3y बाद में, क्या लिखा, फर्स्ट माइनस सेकंड और फिर फर्स्ट प्लस सेकंड डिवाइड, क्या आ जाएगा, मनफी 3 का मत अंदर x, जब मनफी 3 बाहर आ गया तो x पॉजिटिव हो गया और y क्या हो जाएगा, ये x मल्टी वाई है और ये x मल्टी वाई, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी बचा क्या, x प्लस वाई और डिवाइड क्या है, 3 माइनस, क्यों भी ये आप अच्छे से इसको आप सॉल्व करें और जो मैंने छोड़े वो आपने करने हैं और अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, ये मैं 1 by 1 करूँगा और आपको पता है स्टूडेंट रियाजी को समझ कब नहीं पड़ता या मरता कब है, उस वक्त जब वो क्लास में तो कहते हैं सर समझ आ गई लेकिन घर जाके प्रैक्टिस नहीं करता, तो इसलिए प्रैक्टिस करने की आपने छोड़ दी। अगर आप चाहते हैं ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, ये देखिए एक्स ओवर एक्स मनफी वाई प्लस एक्स स्केल ओवर एक्स स्केल प्लस वाई, तो जब भी दरमियान में प्लस या मनफी हो और वैल्यू बटे में यानी कि फ्रैक्शन में हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम का आपको पता है दोनों में से क्या आएगा, जो हमारे पास गैर मुश्तरक है वो दोनों ही गैर मुश्तरक है क्योंकि मुश्तरक कोई चीज़ है कोई नहीं, इसलिए जुजाफकल एलसीएम हमारे पास एक्स मनफी वाई और एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर आ। अब आपको पता है ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाती है तो ये ऊपर एक्स आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर, फिर प्लस एक्स स्केयर आ गया और इधर से ये कैंसिल, मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स मल्टी वाई हो जाएगा, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, एक्स की 3, एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई का स्केयर, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एक्स की 3 इसके साथ किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर और वाई डिवाइड क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि उन्होंने मुख्तसर कहा है, सिंप्लीफाई कहा है, तो आप जिस हद तक, क्योंकि प्रूफ नहीं कहा है कि आप यहाँ तक छोड़ दें वहाँ तक छोड़ दें, तो आप जहाँ तक मुनासिब समझे वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 3-4 स्टेप तक इसको हम कर लिया जाए। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स की 3, एक्स को वाई के साथ किया, एक्स वाई का स्केयर, वाई को एक्स के साथ किया, एक्स स्केयर वाई मनफी वाई और प्लस वाई की 3 आ गई, ये x3 कितना आ जाएगा, 2x3, फिर इसके बाद एक्स स्केयर वाला एक्स स्केयर और वाई, फिर उसके बाद एक्स वाई, एक्स वाई का स्केयर, रीअरेंज कर लिया, नीचे भी इसी तरह कुछ कर लेंगे, एक्स के 3 माइनस एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई का स्केयर और माइनस वाई की 3। ले बहुत ही आसान क्वेश्चन और हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो देखें पहले हम इसमें से क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ऊपर कामन क्या है, x
एक्स प्लस टू बच गया। इन दोनों में से जरा चेक करें, इधर एक्स स्केल है इधर एक्स, तो मैंने कॉमन क्या ले लिया एक्स। नीचे वाले को हम क्या कर लेंगे, इसकी तस्दीक कर लेंगे कैसे, एक्स स्केल प्लस का टू एक्स माइनस एक्स और मनफी टू, मल्टीप्लाई करने से टू आए और प्लस मनफी करने से एक्स आए। और ये हमने नाइन ने बड़ी अच्छी तरह इसको किया हुआ है तस्दीक करने के अमल को। एक्स एक्स प्लस टू सेम रहा, नीचे दोनों में कॉमन क्या एक्स, अंदर बचा क्या एक्स प्लस टू, इन दोनों में कॉमन क्या माइनस वन, अंदर बचा क्या एक्स प्लस टू और प्लस थ्री एक्स और एक्स प्लस वन सेम रहा। ये देखें ये दूसरी वैल्यू तो सेम आ रही है, बस इसको हम क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक्स एक्स प्लस टू डिवाइड एक्स प्लस टू, दोनों में सेम एक्स प्लस टू पहले ये लिख लेंगे और बाद में जो बाकी बचा है एक्स माइनस वन प्लस, इसमें थ्री एक्स है और डिवाइड क्या है एक्स प्लस वन, तो ये एक्स प्लस टू ये एक्स प्लस टू ऊपर नीचे दोनों सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी बचा क्या एक्स और नीचे एक्स माइनस वन प्लस थ्री एक्स और एक्स प्लस वन। बिटवीन प्लस या माइनस हो, दरमियान में प्लस या मनफी, वैल्यू फ्रैक्शन में यानी कि बटे में क्या लिया जाएगा कैंसिल, क्या है कैंसिल, ये तो मनफी आ जाएगा जी। तो फिर हमारे पास एक्स माइनस वन आ जाएगा और साथ एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो अब क्या किया जाए, मैं जरा ये चेक कर लूँ प्लस ही है या मनफी, क्योंकि क्वेश्चन में जी प्लस ही, तो इसका मतलब है कि एक्स मनफी वन कैंसिल, एक्स के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस वन, थ्री एक्स के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी एक्स मनफी वन, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मनफी थ्री एक्स, और नीचे नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स मनफी वन और एक्स प्लस वन, अभी एक मरतबा हम वैसे था वैसे एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स मिलकर कितना आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, एक्स में सी ए चला के क्या रह गया माइनस टू एक्स और डिवाइड क्या वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है सेकंड का स्क्वायर, फोर एक्स में से टू एक्स कॉमन टू एक्स आ गया, इधर क्या रह गया टू एक्स मनफी वन और नीचे क्या आ गया फर्स्ट का स्केल माइनस सेकंड का स्केल ले ली, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर कोई मिस्टेक निकले तो आप लोग मुझे पॉइंट आउट कर दिया करें, ले ली इसको करें सॉल्व फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जी। 17 और 18 क्वेश्चन नेक्स्ट है, वैल्यू एक्स प्लस टू ओवर एक्स स्केल प्लस थ्री एक्स प्लस टू मनफी एक्स मनफी फाइव और एक्स स्केल मनफी एक्स मनफी सिक्स है, तो आप देख सकते चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू बटे हुए फ्रैक्शन में है, ऊपर वाले तो पहले सिंप्लीफाई है लेकिन नीचे वाले की हम क्या कर लेंगे तस्दीक, फैक्टर बना लेंगे, मल्टीप्लाई करने से टू आए प्लस या मनफी करने से थ्री आए, तो किस में आ जाएगा हमारे पास टू एक्स और प्लस एक्स, टू और वन थ्री एक्स और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मनफी एक्स मनफी फाइव डिवाइड इसको भी हम ऐसे ही करेंगे माइनस का थ्री एक्स और प्लस का टू एक्स, थ्री में से टू चलेंगे मनफी एक्स और मल्टीप्लाई करने से मनफी सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा लेंगे। अब हम इसको क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई क्या होगा एक्स प्लस टू नीचे दोनों में कॉमन एक्स, अंदर एक्स प्लस टू बचा दोनों में कॉमन प्लस वन और अंदर एक्स प्लस टू, माइनस का एक्स मनफी फाइव और डिवाइड दोनों में कॉमन एक्स, एक्स मनफी थ्री इन दोनों में कॉमन टू और अंदर एक्स मनफी थ्री ले ली, हमारे पास एक्स प्लस टू डिवाइड क्या है एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन, माइनस का एक्स मनफी फाइव और डिवाइड एक्स मनफी थ्री और साथ
जो बाकी बचा एक्स प्लस टू है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल करने के बाद हमें फिर भी दोबारा एक्स प्लस टू मिलना ही है, इसलिए बिटवीन मनफी है वैल्यू फ्रैक्शन में तो क्या लेंगे, जुजाफ्तन लेंगे। अब जुजाफ्तन क्या आएगा, पहले इसमें से मुश्तरक, मुश्तरक क्या है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, तो इसमें से एक्स प्लस टू का मान आया, फिर गैर मुश्तरक एक्स प्लस वन आया और इधर से गैर मुश्तरक एक्स मनफी थ्री आया, इधर क्या बच गया जी एक्स प्लस टू, इसके साथ एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा गया मुश्तर एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई होगा और साथ एक्स मनफी थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडरस्टैंड। फिर आगे मनफी का एक्स मनफी फाइव और साथ क्या है ये इधर से x प्लस टू कैंसिल होना है और साथ x प्लस वन क्योंकि ये वाला, तो बाकी क्या बचेगा x मल्टी थ्री मल्टीप्लाई में, ये तो बड़ा लंबा में लिखा होगा x मल्टी थ्री, इधर से x मल्टी थ्री और x प्लस टू चला गया, बाकी क्या बचेगा x प्लस वन जो ऊपर वाले के साथ है मल्टीप्लाई होगा। लेंगे अब हम इनको क्या करेंगे सिंप्लीफाई, नीचे वाला वैसे रहने देते हैं ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स के थ्री के साथ किया, थ्री एक्स टू के साथ किया, टू एक्स प्लस का और टू थ्री माइनस सिक्स, माइनस का एक्स को एक्स के साथ किया, एक्स के एक्स को वन के साथ किया, माइनस एक्स फाइव को किया, माइनस का फाइव एक्स और मनफी मनफी प्लस है फाइव, डिवाइड क्या है डिवाइड हमारे पास ये सेम रहा, अगर हम मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं तो आप लोग कर सकते हैं इसमें कोई हरज नहीं है x प्लस, लेकिन हमने इसको मजीद बखेरना ही है इस वजह से इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जी अब इसका स्टेप यहाँ पर एक और मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, जब मनफी अंदर जाएगा ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का और जो प्लस है वो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है जी। अब ये देखिए एक्स के प्लस का ये एक्स के मनफी का कैंसर, अब इधर से मनफी थ्री एक्स है और ये टू एक्स और ये एक्स और टू एक्स प्लस का ये मनफी थ्री एक्स कैंसर, बाकी क्या बचा फाइव एक्स, ये फाइव और इधर आया सिक्स और ये माइनस का फाइव, सिक्स और मनफी फाइव मनफी का अलग डिवाइड क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन और एक्स मनफी थ्री, ये इसका क्या आ जाएगा ये। अगर आप चेक करें तो अगर आप कहें जी नीचे वाला आंसर मैच नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स प्लस टू को एक्स प्लस वन के साथ दोबारा बाद में, लेकिन वो तब जरूरत पड़ती है जब किसी ने प्रूफ मांगा, अगर प्रूफ नहीं हो तो हमने सिंप्लीफाई करना जहाँ पर मर्जी हम कर सकते हैं, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है यानी कि बुक स्तर हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और 18 इधर से सोल्यूशन लेते हैं, दोनों में से ज़रा चेक करें कॉमन क्या है टू, अंदर क्या रहेगा फोर एक्स के प्लस का नाइन वाई स्केर और डिवाइड क्या है फोर एक्स का स्केयर तो टू एक्स स्केयर लिख सकते थे, नाइन का वाई का स्केयर तो थ्री वाई का स्केयर माइनस टू एक्स और प्लस थ्री वाई सेम रहा और डिवाइड क्या है टू एक्स माइनस थ्री का। नहीं जी अब इसका क्या करेंगे एक स्टेप और होगा टू फोर एक्स स्केयर प्लस नाइन वाई का स्केयर और डिवाइड क्या है वन टाइम प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई और वन टाइम मनफी टू एक्स मनफी थ्री वाई और आगे वाली वैल्यू सेम टू एक्स प्लस थ्री वाई और डिवाइड क्या है टू एक्स मनफी थ्री वाई। नहीं जी बिटवीन मनफी है वैल्यू फ्रैक्शन में क्या लेंगे एलसीएम, देखें क्या आएगा एलसीएम, पहले तो इसमें देखिए कॉमन क्या है दोनों में सेम क्या है वो है टू एक्स माइनस थ्री वाई और गैर मुश्तरक क्या है वो है टू एक्स प्लस थ्री। नहीं जी इसकी समझ आ गई, अब ये वाली वैल्यू ऊपर वाले से सेम रहेगी इसलिए इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, बल्कि ये अगले स्टेप में लिख लेंगे ताकि आप में कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ऊपर है टू एक्स प्लस थ्री वाई
टू एक्स मल्टी थ्री वाई चला गया, बाकी क्या रह जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस थ्री। अब करते हैं इसे हम और सिंप्लीफाइड, टू फोर एट एक्स के, टू नाइन एटीन वाई के मल्टी, टू टू फोर एक्स के, टू थ्री सिक्स एक्स वाई, थ्री टू सिक्स एक्स वाई, थ्री थ्री नाइन वाई का स्केयर। और डिवाइड क्या है, डिवाइड है हमारे पास टू एक्स माइनस थ्री वाई और फिर क्या है टू एक्स प्लस थ्री वाई, एट एक्स के प्लस एटीन वाई का स्केयर माइनस क्या है माइनस फोर एक्स के माइनस सिक्स एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स वाई और माइनस का नाइन वाई का स्केयर। और डिवाइड क्या है, डिवाइड वही वन टाइम मल्फी वन टाइम प्लस, उसको इकट्ठा करना हो तो इकट्ठा कर सकते हैं, ये भी लें ये एट एक्स स्केयर में से फोर एक्स स्केयर चला गया, बच के रह जाएगा फोर एक्स के सिक्स और सिक्स मल्फी का ट्वेल्व एक्स वाई, एटीन वाई के स्केयर में से नाइन चला गया बच के रह जाएगा प्लस का नाइन वाई स्केयर। और डिवाइड क्या है, डिवाइड है टू एक्स मल्टी थ्री वाई और साथ है टू एक्स प्लस थ्री वाई। ले जी इसका एक स्टेप और कर सकते हैं, ये फोर एक्स स्केयर मल्टी ट्वेल्व एक्स वाई प्लस नाइन वाई का स्केयर, ये आपको पता होगा कि ये हमारे पास टू एक्स मल्टी थ्री वाई का कंप्लीट स्केयर है। अब नीचे क्या है, नीचे टू एक्स मल्टी थ्री वाई और टू एक्स प्लस थ्री वाई, टू एक्स मनफी थ्री वाई और ये टू एक्स मनफी थ्री वाई वन कैंसिल और बाकी बचा गया टू एक्स मनफी थ्री वाई और साथ आंसर क्या आ गया टू एक्स प्लस थ्री वाई। ले लीजिए ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी, इसलिए करें हाल इनको फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, ताकि आज हम इतने ही करेंगे क्योंकि इतने ही आपको हजम होंगे और इस हाजमे के बाद फिर हम अगले क्वेश्चन करेंगे जब भूख लग जाएगी। तो 19 की तरफ चलते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करें x ओवर नीचे दोनों में कॉमन क्या है x, अंदर बचा क्या x प्लस y माइनस y और इधर क्या है फर्स्ट का स्केयर मल्टी सेकंड का यानी कि वन टाइम प्लस और साथ क्या करेंगे वन टाइम माइनस, एक्स एक्स के साथ कैंसिल बाकी बचा क्या वन ओवर एक्स प्लस वाई और इधर बचा क्या वाई ओवर एक्स प्लस वाई और फिर एक्स मल्टी वाई बिटवीन मल्टी वैल्यू फ्रैक्शन में यानी कि बटे में क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों में कॉमन एक्स प्लस वाई और नॉन कॉमन एक्स मल्टी वाई, इधर एक्स प्लस वाई चला गया बाकी क्या रह गया एक्स मल्टी वाई, इधर दोनों ही है इस वजह से क्या बचा माइनस का वाई, ये एक्स ये मल्टी वाई और वाई मिलकर कितने आ जाएंगे टू वाई और नीचे दोबारा वैसे ही लिख लो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है सेकंड का स्क्वायर, ले लीजिए ये रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गए, क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं, ऊपर क्या है एक्स प्लस वाई जो सेम रहा नीचे दोनों में कॉमन वाई अंदर क्या बचा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स नीचे क्या है दोनों में कॉमन एक्स अंदर एक्स मनफी वाई इधर एक्स प्लस वाई है और उधर एक्स मनफी वाई है। अब क्या करेंगे बिटवीन मनफी वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इसलिए क्या लेंगे एक्स वाई भी आ जाएगा एक्स प्लस वाई भी आ गया साथ एक्स मनफी वाई इधर वाई एक्स प्लस वाई गया तो बाकी क्या रह जाएगा एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा एक्स और साथ एक्स मल्टी वाई माइनस एक्स वैसे रहा मल्टीप्लाई क्या होगा क्योंकि ये वाला एक्स और एक्स मल्टी वाई गया और बाकी क्या रह जाएगा फिर वाई और एक्स प्लस वाई ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले एक्स लिख लिया वन टाइम प्लस वन टाइम मल्टी फर्स्ट का स्क्वायर मल्टी सेकंड का स्क्वायर और इधर माइनस
मल्टीप्लाई किया एक्स के और साथ वाई, इधर माइनस एक्स और वाई वाई से मिलकर माइनस के डिवाइड, बल्कि इससे और भी शॉर्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय इसमें एक्स और इसमें एक्स कॉमन क्या आ गया एक्स, इसमें एक्स प्लस वाई, इसमें भी एक्स प्लस वाई कॉमन क्या आ गया एक्स प्लस वाई, बाकी बचा क्या एक्स और एक्स प्लस वाई आ गया, एक्स प्लस वाई बचा, एक्स चला गया और साथ एक्स प्लस वाई चला गया, बाकी क्या रह गया माइनस का वाई, डिवाइड क्या एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स उन्फी वाई, एक्स एक्स के साथ चला गया, एक्स प्लस वाई के साथ चला गया, बाकी क्या बचा एक्स वन फिर टू वाई और नीचे वाई को जब अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या रह जाएगा एक्स वाई, इसको इसके साथ किया तो वाई स्क्वायर, नहीं ये इसके साथ क्या आ जाएगा आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग अगर किसी जगह पर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो और अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने करवा।